देश प्रदेश के कई मंदिरों से हम आपको रूबरू कराते हैं और उनके रहस्य, जो भी आपकी मनोकामनाएं किस तरीके से पूर्ण होती है, इसको लेकर के खास हम आपको ज़मीनी हकीकत दिखाते हैं। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर के पुआया में, जहाँ पर हरे राम 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 हरे हरे एक मंदिर में हम हैं। यहाँ पर क्या मान्यता है, किस तरीके से यहाँ पर लोग आते हैं, उनकी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं, और उसको लेकर के हम पंडित जी से बात करेंगे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हंगामा टाइम्स में। क्या कहेंगे, जिस तरीके से आपका मंदिर अद्भुत है और कुछ ना कुछ यहाँ एक देखने को मिला रहस्य, क्या है यहाँ का रहस्य? यहाँ हमारे यहाँ पे जो है हरे राम मंदिर 110 साल पुराना है, और एक शंकर जी का मंदिर शिवालय जो है वो करीबन 250 साल पुराना है। यहाँ पे पक्का तालाब हरे राम मंदिर के नाम से मशहूर है। यहाँ पे लोग जो शाम सुबह मछली पालने, इसमें बड़ी बड़ी मछलियों को आटा और लैया वगैरह खिलाने आते हैं, और सुबह शाम जो है मंदिर जब खुलता है तो भक्त लोग यहाँ पे दर्शन को आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भगवान शंकर का स्थान वो भी बड़ा सिद्ध है, और हमारे हरे राम हरे कृष्ण का मंदिर जो है ये भी बड़ा सिद्ध है। इसमें सबकी मनोकामनाएँ अक्सर पूर्ति होती है। पंडित जी, ये बताइए हमारे दर्शकों को कि कौन सी ऐसी ज़्यादा मान्यताएं हैं जो लोग मानते हैं और पूर्ण हो जाती है? हाँ, ये तो अपने अपने मन के भाव होती, आस्था होती। किसी को राम कृष्ण मंदिर में आस्था होती है उनकी, किसी को शंकर जी के शिवालय में जाने से मानता है, तो उसी के हिसाब से जाते हैं, उनकी मनोकामनाएँ पूरी करते भगवान है बोले। तो यहाँ कितने साल हो गए आपको अभी? हमको यहाँ करीबन 20 साल हो गए हैं। अच्छा, 20 साल में पंडित जी कोई ऐसा चमत्कार जो आपने देखा हो हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं? हाँ, जो ऐसा है, यहाँ पे सावन के महीने में शंकर जी का मंदिर है, उसके आसपास में हमारे घर के जो नाग देवता जो हैं अक्सर उनका परिक्रमा करने सावन महीने में 2-4 बार निकलते हैं, और शंकर जी का परिक्रमा करके फिर अपने चले जाते हैं। पंडित जी, यहाँ जिस तरीके से राम जी के भक्त जो हैं बंदरों का बहुत, यानी कि वो देखने को मिला कि बजरंग बली जी भी यहाँ निवास कर रहे हैं। हाँ, इसमें जो शिवालय है उसके अंदर जो है हनुमान जी का भी मूर्ति है स्थापित, और यहाँ पे बंदर तो आते हैं, कुछ उपद्रव भी करते हैं, कुछ वैसे भी है, और बंदरों को भी लोग खिलाते, मंगल शनिवार को मंगलों को भी उनको केला है और तरह तरह के चना है, मिठाई है, गुड़ है, ये मतलब खिलाते रहते हैं। हाँ, जैसे पंडित जी लोग अपनी मनोकामनाएं लेके मंदिरों में आते हैं, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे कि भगवान के पास क्या किसी लालच में आना चाहिए कि आस्था भाव लेकर? आस्था भाव से आना चाहिए, लालच नहीं। लालच तो भगवान बैठे मन के ही, सबको भगवान सबके जानते ही हैं, लेकिन आस्था हमको आपको होती है। हम मंदिर गए उस दिन, पूजा कितनी देर की होती है, जब मंदिर में हम आप जाते हैं भगवान दंड प्रमाण करते हैं, उस वक्त मन हमारा एकाग्र होता है, 10 मिनट के लिए, 5 मिनट, 2 मिनट के लिए वही पूजा होती है, और वही से भगवान को स्मरण करते हैं, उनको याद करते हैं, वो मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सही बात है कि एक, यानी कि कोई भी मनोकामना होती है कहीं ना कहीं जो है भाव और आस्था से जुड़ी हुई होती है, और यहाँ पर हम आपको आप यहाँ का वातावरण भी दिखाएंगे कि किस तरीके का है, और सभी चीज़ें यहाँ पर जो भी मुख्य है वो आपको वहाँ से हम रूबरू कराने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से, और आगे भी आपको हम ले चलते हैं यहाँ पर जो तालाब है बना हुआ, उनसे जानते हैं कि किस तरह से ये सारी यहाँ चीज़ें आपको हम दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत शांतिपूर्ण माहौल है, ये पेड़ हैं, और यहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी जो कहीं ना कहीं एक इतिहास के पुराने पन्नों में जो पेड़ और मंदिर आज तो मंदिर बन जाते हैं, और किस तरह से उसके अंदर से पत्थर होते हैं लेकिन किसी भी तरीके का कोई पेड़ या वो नहीं रहता है। ये तालाब है, हम अपने सहयोगी से कहेंगे आगे आएं और यहाँ का वो दिखाएं कि तालाब कितना खूबसूरत। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये तालाब बना हुआ है, कितना खूबसूरत है, और यहाँ का वातावरण हकीकत में अद्भुत है, अविस्मरणीय है। हम आपको कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर लोग आकर के भक्ति भाव में
डूब जाते हैं और भगवान में आराधना करते हैं। तो आपको ये खबर कैसी लगी, जहाँ पर हम देश प्रदेश के कई मंदिरों के रहस्य को लेकर के आपके समक्ष आते हैं, और वो उनका रहस्य क्या है, आप अगर यहाँ कभी आएँ तो अपना अनुभव भी हमसे साझा करें। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़, सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप लखनऊ से अभी आपको यहीं छोड़ के जा रहे हैं। आपके आसपास भी कहीं कोई रहस्यमय मंदिर हो या रहस्यमय कहानी तो हमारे साथ में साझा ज़रूर करें।